देखिए भाई, पहले तो ये है कि जो 11 महीने से पहलवानों की कुश्ती रुकी हुई थी, न कोई स्टेट हो रखा था न कोई नेशनल हो रखा था, तो एक बच्चों के लिए, पहलवानों के लिए खुशी की लहर है कि नया अध्यक्ष बन गया है और अपना काम सुचारू रूप से करेगा। और रही बात बजरंग पुनिया जैसे अपना पद्मश्री लौटाने जा रहा है, ठीक है, वो अपनी व्यक्तिगत राय है, वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि देश ने उसको बहुत सम्मान दिया है और ऐसा पद्मश्री लौटाना उसके लिए अच्छी बात नहीं और देश के लिए भी अच्छी बात नहीं। अगर लौटाने हैं तो उसने, और जो उसने मेडल मिले हैं, रत्न मिले हैं, वे लौटाओ, उनके साथ पैसा भी मिला है। ये जो लौटा रहा है, इसके साथ कोई पैसा नहीं मिलता है, तो सम्मान का एक प्रतीक है वो लौटा रहा है। अगर लौटाने हैं तो इसने वे पदक लौटाओ। यही वही ड्रामा है जो एक बार इन्होंने गंगा में मेडल बहाने का किया था। ये सब ढकोसले हैं इनके, ये राजनीतिक से प्रेरित हैं और जिस घर से ये निकले थे उसी घर ये वापस दोबारा चले गए। अब पब्लिक ने भी दिख गया है, जिस घर से भूपेंद्र दीपेंद्र उठाए घर से निकले थे, वापस ये ठोकरे खा के वापस चले गए हैं। और रही बात चुनाव की, चुनाव बहुत साफ सरल तरीके से हुआ है, बैलेट पेपर से हुआ है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने 5 नाम दे रखे थे, इन्होंने खुद की, इनकी टीम के सदस्य थे वो, उन्होंने चुनाव लड़ा है, पर जिसके वोट ज़्यादा हैं वो जीत गए हैं। और संजय सिंह से मेरे को पूर्णतः उम्मीद है कि वो कुश्ती को नए आयाम तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, पहले साक्षी मलिक को पत्रकार वार्ता करके उन्होंने जो अलविदा कर दिया कुश्ती को, और फिर अब बजरंग पुनिया चले गए, तो इन सब ये किस तरह से देख रहे हैं आप इन देखिए चीजों को? भाई साहब, ये टोटली राजनीति है। ये स्पष्ट हो गया है कि साक्षी, बजरंग और विनेश तीनों ने कहा है कि हम हार चुके हैं। शोषण का मामला अलग है, शोषण का जो मामला था वो तो पेंडिंग है अभी, बस उसने खिलाफ जो दे रखा है इन्होंने वो तो पेंडिंग है अभी, उसमें तो ना कोई बरी हो लिया है ना कोई सजा हो ली है, तो हार कहाँ गई है? इसका मतलब इनकी लड़ाई अध्यक्ष पद को लेकर थी, ना कि छेड़छाड़ को लेकर थी। ये स्पष्ट तौर पर हो गया, इन्होंने खुद मान लिया है कि अभी, एक बताइए आप, अध्यक्ष बनते ही इन्होंने बोल दिया कि हम हार चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो लड़ाई थी वो अध्यक्ष पद के लिए थी। हार तब मानते जब ब्रजभूषण शरण या बरी हो जाता है, सजा हो जाती, तब तो ये कहते अच्छा लगता, पर ये अध्यक्ष होने के नाते ये कह रहे हैं, अध्यक्ष का चुनाव होने के उसमें कह रहे हैं कि हम हार गए थे। इनकी लड़ाई सिर्फ और अध्यक्ष पद की थी जो ये गंवा चुके हैं, और आगे माननीय न्यायालय में मामला है, वहां भी देखो क्या होता है। आप खुद नेशनल खिलाड़ी हैं, जी खेलने के लिए, खिलाड़ी के लिए काफी पैसा खर्च होता है, जी काफी पैसा लगता है उसको लेकर के तैयार होता है, और इस तरह से जो है अवार्ड को लौटाना या प्रधानमंत्री के घर के आगे रखना या अपने जो अवार्ड थे उसके लिए जो है जिस तरह से संन्यास लेना। भाई साहब, मैंने बताया ना कि ये वो गंगे मैया में जो मेडल बहाने गए थे ना, वही ड्रामा है दोबारा चालू कर दिया। और एक पद्मश्री लौटाना ये अच्छी बात नहीं है, ये सब कांग्रेस से प्रेरित हैं। और मैंने बताया है कि ये जिस घर से निकले थे उसी घर में ये वापस चले गए हैं, और इन्होंने अगर राजनीति करनी है, राजनीति खुल कर करो, हम बिल्कुल नहीं कहते, हर आदमी का हक है राजनीति करने का। अब योगेश दत्त है, उसने कुश्ती छोड़ने के बाद राजनीति की है, अब ये सोच रहे हैं कि हमारा ओलंपिक में मेडल आ गया, हम कहेंगे हमारे को वोट तो कोई नहीं देने वाला है। आपने दो किश्तियां पैर रख कर नहीं चल सकते, आपने राजनीति करनी, आप खुल कर राजनीति करो। बल्कि गला उत्साह ने तो कह भी दी राजस्थान वाले ने, आप चुनाव लड़ो, या भूपेंद्र जो अंदर खाते बात चल रही है, भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कह दी आप चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ना तो लड़ो ना, फिर अच्छे से लड़ो, पब्लिक बिल्कुल बता देगी स्पष्ट तौर पर। अरे कभी शोषण का मामला लेके, कभी बहन बेटी का मामला लेके, कभी अध्यक्ष पद का लेके, ऐसे पब्लिक इमोशनल होने वाली नहीं है। आप बहुत इमोशनल कर चुके हो, सब समझदार हो गई है, यही कहना चाहूँगा। काफी समय से चुनाव न होने से खिलाड़ी जो है बैकफुट पर आ गए थे, कितना नुकसान जो है मानते हैं कि खिलाड़ियों को जो देखो हुआ भाई साहब, इससे? खिलाड़ियों को नुकसान तो हर दिन खिलाड़ियों का नुकसान होता है। आज इंडिया का जो कुश्ती का लेवल है, कुश्ती का लेवल इतने हाई लेवल पर है, अगर बच्चे के अगर 1 महीने में भी अगर कंपटीशन नहीं हो तो बच्चा पीछे चला जाता है। और आप देखो लगातार 9 महीने से न कोई स्टेट होली न कोई नेशनल हो लिया है, और बच्चों का कितना प्रभाव पड़ता है। अगर जो नेशनल में गोल्ड लेके आते हैं उन बच्चों के लिए सरकार ने स्पेशल नौकरी की व्यवस्था भी कर रखी है, उस उनको पैसे की, जो फर्स्ट सेकेंड आते हैं उनको सरकार वजीफे के तौर पर भी पैसे देती है। तो आप सोचो कितने हजार बच्चों का, कितने 100 बच्चों का नुकसान हुआ है, खेल में भी, नौकरी में भी, और जो उनको आर्थिक सहायता होती थी उसमें भी। तो आगे किस तरह से देखते हैं जो कुश्ती को लेकर के जिस तरह से चुनाव अब हुआ है, तो क्या क्या किस तरह का भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं?
कुश्ती का अच्छा भविष्य है, और जिस रफ्तार से पहले कुश्ती का नए आयाम बनते जा रहे थे, और मेरे को पूर्णतः विश्वास है कि संजय भाई की अगुवाई में वे आयाम और ऊपर तक जाएंगे।